हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिमोट सेंसिंग। तो सबसे पहले कंटेंट पे नजर डालते हैं। इसमें हम देखेंगे कि डिजिटल इमेज क्या है और डिजिटल इमेज की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फिर हम फोकस करेंगे मीनिंग और रिक्वायरमेंट के ऊपर, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की क्या जरूरत है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर फंक्शंस इन द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी कई बार फ्रेशर स्टूडेंट्स को इसमें देखने को मिलता है। और उसके बाद मैं आपको रेफरेंसेज बताऊंगा ताकि आप फर्दर इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजिटल इमेज के साथ। तो डिजिटल इमेज का मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स इन डिजिटल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं डीएन वैल्यू, डिजिटल नंबर वैल्यू बेसिकली। तो इमेज की जब हम बात करें, दैट इज सिंपली ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स अवेलेबल इन एनी एक्सपोजर। बट जब हम डिजिटल इमेज की बात कर रहे हैं तो ये स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में डिजिटल नंबर, एक डिजिटल फॉर्मेट में आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, जिनको हम डीएन वैल्यू बोलते हैं। तो ये डीएन वैल्यू जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। एक पर्टिकुलर पिक्सल के रिस्पेक्ट में आपको एक पर्टिकुलर डीएन वैल्यू देखने को मिलेगी। यहां पे आप इमेज में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, दैट इज द डीएन वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर पिक्सल, ओके। और ये इस तरीके का रो एंड कॉलम की फॉर्म में ये डिजिटल इमेज आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो डीएन वैल्यू है वो वेरी कर सकती है 0 to highest वैल्यू, एंड दिस हाइएस्ट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द डाटा इन द बाइनरी सिस्टम, ओके। सपोज इट में भी 4 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, 16 bit, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। जैसे यहां पे अगर हम 8 बिट डाटा की बात करें तो वहां पे हाईएस्ट वैल्यू हमारी 255 होगी, ओके। और यहां पे जो लोएस्ट वैल्यू है, मींस जीरो जो है वो लोएस्ट इंटेंसिटी को शो करता है लाइट की, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हाईएस्ट इंटेंसिटी को शो करती है। तो यहां पे भी आप जैसे देख सकते हैं, कुछ जो ग्रे टोन है आपको, ये आपको डार्क देखने को मिलेगी, और कुछ जो है ब्राइट देखने को मिलेगी। तो डार्क जो है वो हम कह सकते हैं कि लो रिफ्लेक्टेंस को शो कर रहा है, तो वहां पे आपको लो डीएन वैल्यू देखने को मिलेगी। और जहां पे व्हाइट है, ये हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस को शो करता है या हाई रिफ्लेक्टेंस को शो करता है, यहां पे आपको हाई वैल्यू देखने को मिलेगी डीएन नंबर की, ओके। तो यहां पे आप जैसे देख सकते हैं, अगर इस पर्टिकुलर इमेज में बात करें, ये इसके कोरस्पोंडिंग नहीं है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये अलग इमेज है, ये अलग इमेज है। तो यहां पे जैसे आप 12 देख पा रहे हैं, तो यहां पे आपको लो रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलेगा, मींस यहां पे डार्क टोन का आपको फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हाईएस्ट है वहां पे आपको हाई रिफ्लेक्टेंस का फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट होता है इसको हम बोलते हैं डिजिटल इमेज। अब डिजिटल इमेज यहां पे आपको अगर एग्जैक्ट इमेजरी की फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूं, यहां पे आप देख सकते हैं ये हिमालयन टेरेन की एक इमेज है, सैटेलाइट इमेज है, और ये इसका डिजिटल फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहां पे एक पर्टिकुलर फीचर के कोरस्पोंडिंग में आप डीएन वैल्यू देख सकते हैं, हर पिक्सल के रिस्पेक्ट में आप डीएन वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे ये जो है इसका टोपोग्राफिक मैप है, तो टोपोग्राफिक मैप में भी आप देख सकते हैं जो फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रिपेयर टोपोग्राफिक मैप है, ठीक है। तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया है। तो ये जो हमारा एक्चुअल में जो हम सैटेलाइट इमेजरी लेते हैं, फिर उसका जो डिजिटल फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करेंगे, जिसकी आज हम बात करें, और ये कोरस्पोंडिंग जो है इसकी टोपोग्राफिक प्रेजेंटेशन है, ओके। अभी डिजिटल डाटा जो है हमारे पास, उसकी क्या एडवांटेजेज हैं, क्यों हम डिजिटल डाटा के ऊपर काम करना प्रेफर करते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो डिजिटल डाटा है वो आपको बेटर क्वालिटी का देखने को मिलेगा, और जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। जैसे हम टोपोग्राफिक सीट्स है वो कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो है फीचर्स उसमें धुंधले हो जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं रहता। लेकिन डिजिटल डाटा की अगर हम बात करेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो डिजिटल डाटा है वो कंप्यूटर लैंग्वेज की फॉर्मेट में होता है, तो उसको डिजिटली प्रोसेस करना पॉसिबल है, सो दैट इज सुटेबल फॉर द डिजिटल प्रोसेसिंग। उसके बाद इस डाटा को मेंटेन करना भी इजी है, ओके।
क्योंकि वो टाइम के साथ जो है उसकी क्वालिटी जो है वेरी नहीं करती, तो उसको रिप्रोड्यूस करना या ट्रांसफर करना तो उसमें क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो मेंटेनेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उस डाटा को हैंडल करना आसान है, डिजिटल डाटा को हैंडल करना किस तरीके से आसान है कि उसको हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में रिट्राइव कर सकते हैं, सिंगल क्लिक के द्वारा हम जो है डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है इजी टू हैंडल डिजिटल डाटा। फिर इजी टू ट्रांसफॉर्म, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी एंड कंपेटिबल टू द सॉफ्टवेयर। तो उसको हम अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आप जेपीजी की आपके पास इमेज है उसको पीएनजी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा को जो है ट्रांसफॉर्म करना, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ले जाना एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, वो पॉसिबल है डिजिटल डाटा के ऊपर। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो डिजिटल डाटा में हम प्रेजेंटेशन जो है उसको इफेक्टिवली हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैप प्रिपेयर करने हैं ग्राफिकल फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में, तो ये काफी इट्रैक्टिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल डाटा। अब बात करते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की। तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझना होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग बेसिकली हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, कुछ कमांड लगाते हैं उस डाटा की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इन कमांड्स को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे हमने कोई मान लीजिए फोटो ली, यूजुअली आजकल सब लोग फोन यूज करते हैं, कैमरे वाला फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो वहां पे आप देखते हैं कि जैसे आपने फोटो क्लिक की तो आप उसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं कि फिल्टर लगा सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, या उसको आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये सारे जो कमांड हैं वो प्रोसेसिंग है। उसी तरीके से जो हम डिजिटल इमेज यूज करते हैं उसको भी हम प्रोसेस करते हैं। ओके, तो बेसिकली प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि हमारा डाटा जो है वो अट्रैक्टिव हो और हम उसको इजी इंटरप्रेट कर सकें। ओके, पिछली वीडियो में हमने इमेज इंटरप्रिटेशन की बात की थी। तो इमेज को हम इंटरप्रेट तभी कर पाएंगे, मीन्स उसमें से इंफॉर्मेशन हम तभी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जब हम उसको इजिली समझ रहे हैं, फीचर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग का पर्पज यही है कि हम उसको इजी टू इंटरप्रेट बनाएं। अब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कुछ मेजर फंक्शंस हैं जिनकी हम बात करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग फंक्शंस के ग्रुप हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो इन चारों ग्रुप्स में मिलाकर के आपको अप्रोक्सीमेटली 15 ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। तो आज हम इन मेजर फंक्शंस की बात करेंगे कि प्री प्रोसेसिंग जो है उसमें हम कौन कौन से ऑपरेशन लगाते हैं, एनहांसमेंट इसका मीनिंग और कौन कौन से प्रोसेस हम इसमें यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है और क्लासिफिकेशन। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉडली हम जो है चार फंक्शंस में इसको ग्रुप कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहला जो है प्री प्रोसेसिंग, जैसा कि नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है, इसकी जो कमांड्स हो या ऑपरेशंस होंगे वो एक्चुअल जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे पहले हम अप्लाई करते हैं प्री प्रोसेसिंग। ओके, और प्री प्रोसेसिंग में दो मेजर ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेंगे, एक तो है रेडियोमेट्रिक करेक्शंस और दूसरा है जियोमेट्रिक करेक्शंस। अब इन दोनों को समझ लीजिएगा। रेडियोमेट्रिक करेक्शन क्या है? रेडियोमेट्रिक करेक्शन से मतलब यह है कि जो उसमें एरर्स जो आते हैं सीन इल्यूमिनेशन की वजह से। सीन इल्यूमिनेशन मतलब मान लीजिए जैसे जो हमारी एनर्जी है सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं वो जो आती हैं तो वो एटमॉस्फेयर से पास करती हैं, तो एटमॉस्फेयर में ए नंबर ऑफ प्रोसेस वहां पे हेल्ड होते हैं, जैसे वो पार्टिकल से इंटरेक्ट करके एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, स्कैटरिंग होगी उसकी। तो उसकी वजह से इस जो पार्ट को हम रिमूव करना या इसके इफेक्ट को जो है रिमूव करना वो रेडियोमेट्रिक करेक्शंस में आता है, ठीक है। या अलग अलग वेदर कंडीशंस, कई बार क्लाउड की वजह से जो उसमें एरर होंगे या जो उसका इफेक्ट होगा, तो उसके लिए हमें हमें करेक्शन सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आपने जियोफिजिकल डाटा में भी हम लोट ऑफ करेक्शन सप्लाई करते हैं, जैसे बुगर अनोमली है, ठीक है, या हाइट की करेक्शन उस पर अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से प्री प्रोसेसिंग में हम रेडियोमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं। ज्योमेट्रिक करेक्शन जो है, ज्योमेट्रिक करेक्शन बेसिकली क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ की शेप जो है वो कर्व्ड शेप है, ठीक है। तो जब हम एरोप्लेन से सर्वे कर रहे हैं, सैटेलाइट से जब हम इमेजरी ले रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो एक्चुअल में जो एक हम प्लेन सरफेस पे
जो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा उस तरीके का नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें कर्व होता है, हालांकि वो इतना विजिबल नहीं है या हम उसको इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते अगर हम एक लिमिटेड पार्ट पे अर्थ पे मूव करते हैं, ठीक है। बट सैटेलाइट की जब हम बात करें तो वो कर्वेचर मैटर करता है और उसकी वजह से जो ज्योमेट्रिकल वेरिएशन आपको देखने को मिलता है उसको रिमूव करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये ओरिजिनल इमेज थी, इसकी ओरिएंटेशन डिस्टर्ब है और जो करेक्टेड इमेज है उसकी ओरिएंटेशन आपको बिल्कुल प्रॉपर देखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जियो रेफरेंसिंग जो है वो भी एक प्री प्रोसेसिंग में हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें रेस्टोरेशन और रेक्टिफिकेशन, रेस्टोरेशन एंड रेक्टिफिकेशन की टर्म में भी हम कह सकते हैं कि प्री प्रोसेसिंग में हम ये फंक्शन इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन हैं या कितनी हमें उस पर करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी ये डिपेंड करेगा जो हमारा सेंसर है और जो प्लेटफॉर्म है उनकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। तो प्री प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं जो कि हम एक्चुअल एनालिसिस करने से पहले अप्लाई करते हैं, ओके। तो इसमें दो आपको मेजर ध्यान रखने हैं, रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक। सेकेंड वन इज इमेज एनहांसमेंट। इमेज एनहांसमेंट जैसे कि नाम आपको इंडिकेट कर रहा है, हम क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं। तो उसमें हम इमेज की अपीयरेंस क्वालिटी को एनहांस करते हैं या कई बार हम पर्टिकुलर फीचर के ऊपर फोकस करते हैं, पर्टिकुलर फीचर की जो अपीयरेंस है उसको एनहांस करते हैं। तो ये बेसिकली जब हम उसकी क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं तो आपको इंटरप्रेट करने में और एनालाइज करने में आसानी उससे रहेगी। तो बेसिकली बेटर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के लिए हम इस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे भी आपको जो इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिलेंगे, एक तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग है। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में हम जो है जो टोनल कॉन्ट्रास्ट है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर 02 यहाँ पे 255 हमने जैसे देखा था, ठीक है, तो इनके बीच में जितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा उतना ही ज्यादा हम उन फीचर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट में बेसिकली टोनल वेरिएशन जनरेट किया जाता है और उसमें फिर अलग अलग सब फंक्शंस इंप्लीमेंट होते हैं। हालांकि वो काफी डिटेल में एक अलग विषय हो जाएगा, हम जो है अलग अलग ऑपरेशन के ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका बेसिक एक जो ब्रॉड ग्रुप्स हैं उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेशल फिल्टरिंग जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर फोकस करता है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इससे भी जो है एक पर्टिकुलर फीचर की क्वालिटी जो आपको चेंज होती हुई नजर आएगी, इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो इमेज देख रहे हैं, ये वाली जो इमेज है ये एनहांस्ड और वी कैन से ओरिजिनल इमेज है और ये एनहांस्ड इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप फीचर्स को जो है और क्लियरली जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही पर्पज होता है एनहांसमेंट का, ताकि हम एक पर्टिकुलर फीचर्स को की क्वालिटी को एनहांस कर सके या पूरी इमेज में जो है हम फीचर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो सके। तो इस वजह से इस कमांड को हम यूज करते हैं, इमेज एनहांसमेंट। नेक्स्ट जो है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये वाला जो फंक्शन है या ऑपरेशन है वो बेसिकली मल्टी बैंड या मल्टी टेम्पोरल डाटा पे यूज किया जाता है। मल्टी बैंड जैसे आप समझते हैं कि जैसे विजिबल में हमारे 3 बैंड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम अलग अलग सेंसर देखें तो वो मल्टी बैंड्स यूज करते हैं। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में अगर हम बात करें तो आपको 8 बैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टी बैंड जो डाटा है उसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाया जाता है और मल्टी टेम्पोरल डाटा भी यूज किया जाता है। अलग अलग टाइम का जो डाटा है उसको भी हम कई बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि हम फीचर्स को और क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें और बेसिकली डिफरेंस को हम फाइंड आउट कर सकें, ओके। तो इसमें हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी लगाते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके। तो ये सारे जो है हम अर्थमेटिक ऑपरेशन इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सब्ट्रैक्शन और जो डिवीजन है उसको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कमांड जब इंप्लीमेंट करते हैं तो जो पुराने हमारे पास डाटा है या ओल्ड बैंड है उनको हम कंबाइन करके एक न्यू डाटा सेट जनरेट करते हैं, जो कि एक बेटर डिस्प्ले का होगा या उसमें सर्टेन फीचर जो आपको ज्यादा हाईलाइट दिखेंगे ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर
अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करें तो वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं या हमारा जो डाटा सेट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की बात करें तो वो चेंज डिटेक्शन में हेल्पफुल है जब हम दो अलग अलग टाइम का डाटा हम ले रहे हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक इमेज है उस टाइम की और उसके बाद एक इमेज जो है लेटर टाइम की है, तो हम इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो फीचर जो है चेंज हुए हैं वो हम डिटेक्ट कर पाएंगे। आगे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक जो इमेज है उसकी फॉर्म में आपको समझाया गया है, वहां से आप और क्लियरली इसको समझ पाएंगे। ओके, सेकेंड जो डिवीजन की हम बात करते हैं इसको बैंड रेशियोइंग भी बोलते हैं। तो बैंड रेशियोइंग बेसिकली ये है कि मान लीजिए हमारे पास अगर हम बात करें मल्टी बैंड डाटा की हम बात करें हैं, अगर सिंपल एग्जांपल हम लेके चलें वेजिटेशन का, वेजिटेशन जो है आपको नियर इंफ्रारेड में बेस्ट बेस्ट आपको जो है डिटेक्ट होगी। ओके, और अगर रेड में हम बात करें रेड कलर में उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है तो वो इतना अच्छे से आपको डिटेक्टेबल नहीं होगा। और अगर इसके साथ के जो फीचर्स हैं मान लीजिए जैसे सोयल है या वाटर है वो जो है इंफ्रारेड और रेड दोनों में जो है आपको लगभग उनका इक्वल रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस केस में जब हम इसकी बैंड रेशियोइंग करेंगे तो जो जो हमारे पास वेजिटेशन होगा हेल्दी वेजिटेशन की जो हम बात करेंगे तो उसमें हेल्दी वेजिटेशन क्योंकि हमारे पास हाई रिफ्लेक्टेंस है इंफ्रारेड में और अगर रेड के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको ये जो वैल्यू है दैट विल बी हायर देन 1। ओके, जबकि जब हम सोयल या वाटर के केस में जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो इनका रेशियो क्योंकि दोनों में सेम सेम रिफ्लेक्टेंस रहता है तो ये नियर बाई 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे वेजिटेशन को और अच्छे से। ओके, तो इसको बैंड रेशियोइंग भी बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। नेक्स्ट जो इसमें एक और ऑपरेशन हम यूज करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में बेसिकली क्या करते हैं कि हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे थीमेटिक मैपर का ना अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें 7 बैंड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 7 बैंड में अगर देखें हम 90% इंफॉर्मेशन जो है फर्स्ट 3 बैंड में आपको डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि 7 बैंड को हम 3 प्रिंसिपल बैंड्स में जो है कन्वर्ट कर लेंगे या कंबाइन कर लेंगे, क्लब कर लेंगे ताकि हमें इंफॉर्मेशन जो है 90% इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कितना एक्यूरेट डाटा जो चाहिए, क्या हमारा पर्पज है फर्दर। तो यहां से अगर हमारे पास कम बैंड है, अगर 3 बैंड है 7 की बजाय, तो हम उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं या फर्दर ऑपरेशन उस पर हम इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का पर्पज यही रहता है। तो इसमें पर्टिकुलरली अगर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ बैंड्स को प्रिंसिपल बैंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है ताकि हम उनको इजिली हैंडल कर सकें और इजिली उनके ऊपर फंक्शन हम लगा सकें। तो यहां पे आप ये जो देख पा रहे हैं इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की सब्ट्रैक्शन जो कमांड है वहां पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इमेजरी थी पहले की या ओल्ड डाटा हम कह सकते हैं, ये हमारे पास लेटर डेट का डाटा था जब हमने इसमें सब्ट्रैक्शन कमांड इंप्लीमेंट की, तो यहां पे आपको ये वाला चेंज जो है नजर आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन से ये वाला जो लेटर इसमें चेंज आया है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, तो ये 7 बैंड जो है थीमेटिक मैपर में 7 बैंड यहाँ पे तो वैसे 100% इंफॉर्मेशन जो है आएगी 7 बैंड में, लेकिन अगर हमें 90% अगर हमें हमारी रिक्वायरमेंट इस तरीके की है कि हम जो 90% इंफॉर्मेशन से या मेजर इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 3 बैंड में इसको कंबाइन कर लेंगे फर्स्ट 3 बैंड में और उनको हम इजिली हैंडल कर सकते हैं और इस इजिली हम उस पर फर्दर ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो मैंने कमांड इसमें आपको समझाई सब्ट्रैक्शन और डिवीजन या बैंड रेशियोइंग, सॉरी ये वाला जो है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट का है, ठीक है। बैंड रेशियोइंग का भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन भी
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, क्लासिफिकेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम सिमिलर फीचर को ग्रुप कर रहे हैं, तो उससे हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास जो हमारी होगी तो उसमें हम फीचर्स को ग्रुप कर रहे हैं। क्लास यहाँ पे दो प्रकार की क्लास यूजुअली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्लास से मैं आपको ये अगर ब्रॉडली बताऊं तो क्लास मान लीजिए जैसे एक एग्रीकल्चर लैंड है वो एक क्लास होगी, फॉरेस्ट अनदर क्लास होगी, वाटर बॉडी थर्ड क्लास होगी। तो इस तरीके से जो भी फीचर मैचेबल होंगे उनको हम एक पर्टिकुलर क्लास में रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम विजुअल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, डिजिटल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन क्लास और स्पेक्ट्रल क्लास देखने को मिलेगी। तो इंफॉर्मेशन क्लास क्या है? इंफॉर्मेशन क्लास बेसिकली जो इंटरप्रेटर है उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे, उसकी उसकी आई विल से कि कितनी कैपेसिटी है उसकी फीचर्स को आइडेंटिफाई करने की, उसके बिहाफ पे विजुअल इंटरप्रिटेशन के बेस पे हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन क्लास डिवाइड की जा रही बनाई जाती है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। स्पेक्ट्रल क्लास जो है वो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो डिजिटल हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन है। सिस्टम अपने आप जो है जो डीएन वैल्यू है उसकी, उसके बेस पे क्लास बनाएगा। ओके, तो इस यहाँ पे स्पेक्ट्रल क्लास बोलते हैं। इसमें हम क्लास के लिए जो है रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे जो 0 to 10 जिनकी डीएन वैल्यू है उसको हम एक क्लास में रख सकते हैं, ठीक है। फिर 11 to 20 जो है उसको सेकंड क्लास में रख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये स्पेक्ट्रल जो रिस्पॉन्स होगा उसके बिहाफ पे स्पेक्ट्रल क्लासेस बनेंगी। तो इसी से मिलता जुलता या इसी के बिहाफ पे दो टाइप के क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन एंड अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। यहाँ पे भी सुपरवाइज क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जो एनालिस्ट है वो डिफाइन कर रहा है, वो सुपरवाइज कर रहा है, वो क्लास को डिफाइन कर रहा है। वो फीचर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसने क्लास बना दी कि ये वाला मेरा जो है जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये वाला जो वाटर बॉडी है, ये वाला जो हमारे पास आई विल से कि फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो उसने क्लास को डिफाइन कर दिया फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, तो उसके बिहाफ पे वो उसका जो है वो ट्रेनिंग एरिया जो है, ट्रेनिंग एरिया उसने डिफाइन कर दिया, और उसके बाद फिर जो है फीचर्स को अलग अलग क्लास में जो है डाला जाएगा, तो उसको सुपरवाइज बोलते हैं। अनसुपरवाइज जो है वो एक आई विल से कि सॉफ्टवेयर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन है, उसमें सिस्टम जो है डिटेक्ट करेगा अलग अलग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को और उसको फिर मैचेबल क्लास के हिसाब से जो भी आपने क्लासिफिकेशन किया है उसमें ले जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, अगर अब बात ये आती है कि सुपरवाइज्ड अच्छा है या अनसुपरवाइज्ड अच्छा है, तो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन हम तब यूज करते हैं जब एनालिस्ट जो है फेमिलियर है एरिया के बारे में और फीचर्स के बारे में श्योर है, तो वो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन यूज करेगा। उसमें वो नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो भी डिफाइन कर सकता है कि कितनी क्लासेस मुझे चाहिए। इसके विपरीत जो अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन है उसमें नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हमारे डाटा का क्या साइज है और कितनी क्लासेज आपने उसमें डिवाइड की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली ये जो डीएन वैल्यू होगी इसके बिहाफ पे फिर अलग अलग क्लासेज आपको देखने को मिलेगी, तो नंबर ऑफ क्लासेज होंगी अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन में। ओके, और यहाँ पे ग्राउंड ट्रूथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डाटा को इंटरप्रेट करते हैं तो ग्राउंड ट्रूथ आप जरूर करें। ग्राउंड ट्रूथ का मतलब ये है कि आप फील्ड सैम्पलिंग करते हैं, फीचर्स को फील्ड पे जाकर के कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके जब हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास कोई सैटेलाइट इमेजरी है, तो हमने अलग अलग क्लास इसमें आइडेंटिफाई की। मान लीजिए ये वाला जो एरिया हमारा ये वाटर बॉडी है, ये वाला जो एरिया है ये एग्रीकल्चर है, और ये जो है बैरेन रॉक टाइप है। तो हमने इसके बेस पे यहाँ से ट्रेनिंग एरिया सेलेक्ट कर दिया और उसको एक पर्टिकुलर क्लास में डाल दिया, ठीक है। तो इसके बेस पे इसको हमने सुपरवाइज कर दिया कि ये वाला जो चीज है वो वाली हमारी बैरेन रॉक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये फर्दर पूरे एरिया को इस ट्रेनिंग एरिया के बेस पे क्लासिफाई करेगा। ओके, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो है वो क्योंकि स्पेक्ट्रल क्लास के ऊपर बेस्ड होता है, तो यहाँ पे जो उसकी डीएन वैल्यू होगी
ठीक है, उसके बिहाफ पे जो है एक पर्टिकुलर फीचर जो होगा, मैचेबल फीचर होगा, उसकी एक डीएन वैल्यू रहेगी मिलती जुलती, ठीक है। उसके बेस पे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ जो हाई वैल्यू आपको देखने को मिल रही है ये वाला एक पर्टिकुलर क्लास में जाएगा, फिर ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू आपको देखने को मिल रही है ये सेकेंड क्लास हो जाएगी, और ये एक अनदर क्लास हो जाएगी जहां पे कम वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसके बेस पे इसने क्लासिफाई कर दिया ए बी और सी क्लास में, ठीक है। तो ये एरिया इस तरीके से क्लासिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन और ये अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट। ओके, तो ये था हमारा आज का मेन डिस्कशन। क्विज आज मैंने नहीं रखा है क्योंकि ये जो जो डिस्कशन था आज का वो टोटली जो है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड था। उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस तरीके के बनाने का कोई मीनिंग मुझे नहीं लगा, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और रेफरेंसेस आप देख सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए, ये रेफरेंसेस हैं जहां से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चलना है और एक दूसरे की हेल्प करना है। ओके, और नए टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।